National Testing Agency was conducting an examination for class 12 student at this scale as far as the central universities are concerned. Initially, there were certain glitches as far as the examination is concerned. Many students even saw cancellation of the examination center or a misallotment of the exam. Not smooth at all. The whole exam process, the result, lot of stress, anxiety among students. And first time it is happening, why it was implemented so hurriedly, I don't understand. And how it has relieved their stress, I don't understand again. दोस्तों, अगर हम entrance exam की बात करें, तो कोटा का नाम सबसे पहले आता है। कोटा राजस्थान में है। इसको एक कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। कोटा में 150 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पे हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे हर साल एनरोल होते हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आईआईटी नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपना होम टाउन और अपनी इंपॉर्टेंट स्कूल लाइफ को छोड़कर कोटा में कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं। पिछले 10 साल में ये देखा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोटा में हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, स्टूडेंट्स स्कूल छोड़कर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं और रेगुलर वहाँ पर 12 to 15 आवर्स वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो क्या ये स्कूल नहीं जाते? तो हाँ, ये स्कूल नहीं जाते। कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे एक डमी स्कूल ज्वाइन करते हैं। डमी स्कूल्स का मतलब होता है, और स्टूडेंट्स की तरह उनको रेगुलर स्कूल्स नहीं जाना पड़ता। ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल, प्रीबोर्ड्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के लिए ही स्कूल विजिट करते हैं, अदरवाइज़ उनको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब ये लगता है आने वाले टाइम में डमी स्कूल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। हाल ही में लॉन्च हुआ CUET एग्ज़ाम, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये एग्ज़ाम आने वाले टाइम में बच्चों को डमी स्कूल्स को अडाप्ट करने में पुश करेगा। तो आज हम इसी की बात करेंगे, कैसे CUET एग्ज़ाम स्कूल्स की कैलकुलेशंस को चेंज कर सकता है और स्टूडेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इसी को समझेंगे। 2010 में 12 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 2021 तक 12 न्यू यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन केवल इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे होता था, लेकिन 2022 में कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। 2022 में UGC सेंट्रल ग्रांट कमीशन ने भी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इस कॉमन टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटो ये है, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स पे बर्डन बढ़ रहा है और ऊपर से बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर होता है। ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को। आपने देखा ही होगा, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड का जो लेवल होता है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। किसी का एग्ज़ाम टफ होता है तो किसी का ईजी। ऐसे में 12th के बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना थोड़ा टफ होता है। इसी वजह से ये एग्ज़ाम बच्चों के बीच में जो अनफेयरनेस है, उस चीज़ को हटाया जा सके। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये अनाउंसमेंट की है। इस एग्ज़ाम में 86 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2022 में पार्ट ले रही हैं। डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, CUET एग्ज़ाम ये हमारे स्कूलिंग और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बैडली अफेक्ट करेगा। CUET का स्ट्रक्चर होने वाले रेगुलर एग्ज़ाम्स और बोर्ड्स के एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट है। CUET एग्ज़ाम में कोई भी 12th का वेटेज नहीं है, और प्लस इसका टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। इसका मतलब MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चंस होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में 50% से कम है तो आपको किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि ये तो बात आप भी जानते हैं कि 50% लाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है, अगर CUET एग्ज़ाम में कोई भी वेटेज 12th का नहीं होगा तो स्टूडेंट्स के लिए स्कूलिंग भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उनका फोकस ज़्यादातर CUET पर रहेगा। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, IIT और NEET के एग्ज़ाम CUET एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट होते हैं। IIT NEET एग्ज़ाम्स में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बट CUET एग्ज़ाम में केवल NCERT ही आने वाली है, जिससे स्टेट एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम में गैप काफ़ी ज़्यादा होगा। बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स का एडमिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करा देंगे उस स्कूल के बजाय। कोचिंग में वैसे भी स्टडीज़ को छोड़कर किसी दूसरे चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता है। जब बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं तो स्टडी के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिनसे उनका फिजिकली और मेंटली भी ग्रोथ होता है।
और इन सब फील्ड्स में पार्टिसिपेट करने के बाद ही वो समझ पाते हैं कि उनको किस फील्ड्स में जाना है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीज़ को इसी चीज़ से जज कर पाते हैं। लेकिन अब CUET के आने से बच्चे केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगे और केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ही फोकस करेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल के बजाय डमी स्कूल्स में जाना ज़्यादा प्रिफर करेंगे। कोटा में ऐसे बहुत सारे डमी स्कूल हैं जो केवल 500 रुपये और 1000 रुपये महीने में एडमिशन लेते हैं, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने डमी स्कूल्स के साथ टाइप भी करके रखा है, जिससे वो बहुत ईजिली इन स्कूल्स में एडमिशन करा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिससे हम इसको रोक सकें। पहले ज़्यादातर IIT नीट के स्टूडेंट्स ही इन डमी स्कूल्स को ऑप्ट करते थे, लेकिन CUET के आने से हर बच्चा ही इन डमी स्कूल्स में जाएंगे। हाल ही में CUET फेज़ 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 20,000 स्टूडेंट्स के 100% आई है, जिसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज होना लाजमी है। मे बी कोचिंग से स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर भी ले, लेकिन जब स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वो कॉलेज ड्रॉप करके कुछ और करने लगते हैं। अगर इन स्टूडेंट्स को एग्जाम प्रिपरेशन के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया जाता तो वो और अच्छी तरीके से समझ पाते किस फील्ड में जाना है, उनके लिए क्या स्ट्रांग है, क्या वीकनेस है और कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लाखों बच्चे हर साल IIT और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। 2021 में 1,41,699 स्टूडेंट्स ने एडवांस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें से केवल 41,862 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे। CUET एग्ज़ाम पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी डिवाइडेड है। सुधा आचार्य जो हेड हैं नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा है कुछ स्टेट बोर्ड NCERT की बुक को प्रिफर करते हैं और कुछ नहीं, और ICSE की भी बुक डिफरेंट है NCERT से, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बहुत सारे ओपिनियन हैं और ये ओपिनियन बताते हैं CUET एग्जाम्स में चेंजेस होना ज़रूरी है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को बताए और उनके इंटरेस्ट पे काम करे, ना कि उनको केवल एग्जाम्स की तरफ पुश करना हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो 1 लाइक और 1 शेयर ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।